एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज है थर्सडे। यस, आज थर्सडे और अभी 11 बजने में 10 मिनट बाकी है और मैं रेडी हुई हूँ स्कूल जाने के लिए आद्या के, क्योंकि आद्या को लेकर आना है। 11 बजे मैं पहुँच जाऊँगी, उसके बाद मैं उसको लेकर आ जाऊँगी। और पूजा वगैरह सब हो चुकी है, नाश्ता वगैरह मेरा हो चुका है। और अब आज और आद्या को टिफिन में मैंने दिया था कद्दू की सब्जी। मैंने तो कद्दू सब्जी है वो बनाई थी। तो आज कुछ ऐसा ही था। आज थर्सडे है तो कपड़े तो मैं वॉश करूंगी नहीं, घर एकदम क्लीन है, सब कुछ क्लीन कर दिया है। और मैं अभी कर रही थी एडिटिंग बैठ के। चलिए दिखाती हूँ आपको। तो अभी मैं बैठ के कर रही थी वीडियो की एडिटिंग। रूम में लाइट नहीं जल रही, अंधेरा है, तो यहाँ पे ये मैं कर रही थी एडिटिंग बैठकर। तो ऑलमोस्ट एडिटिंग कंप्लीट हो गई है। मैं इसको सेव पे लगा दे रही हूँ और इसको सेव पे लगाने के बाद मैं जाऊँगी आद्या को लेने। और आद्या नहीं है, कोई नहीं घर पे, तो खाली खाली सा लग रहा है घर। आद्या का टेंट हाउस आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। मैंने लोकल मार्केट से ही लिया था 800 रुपये का। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा सा कॉस्टली मिला है। तो चलिए पहले मैं इसको सेव में लगा सेव कर देती हूँ, उसके बाद चलती हूँ आद्या को लेने। ठीक है, लादो को लेके आती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। मुझे खाना नहीं खाना है। खाना नहीं खाया टिफिन का? क्यों? नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, बिस्किट दिया था, बिस्किट खाया? क्या नहीं, क्या बचा था टिफिन में? देखें क्या खाया आपने, पराठा। थक गए हैं? क्या खाया? पराठा खाया। अच्छा चलो, मैं ड्रेस उतार दूं मैं आपकी। चलो पहले बॉटल निकाल लो। मैं दिखा, मैं दिखा, पहले पेंसिल बॉक्स निकालो, ये फंस गया ना। अच्छा दिखा दिखा, आपने खाया तो है, आधा थोड़ा सा पराठा बच गया बस। आपने खाया था? गुड। अब बिस्किट कहाँ है? बिस्किट नहीं खाया आपने? लो बिस्किट तो पूरा रखा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, बिस्किट उठा देती हूँ। ठीक है चलो, आप बेल्ट उतारो और मोजे उतारो पैर से, सॉक्स, और मैं यूनिफॉर्म में उतारूंगी आके। ठीक है, आ रही हूँ अभी मैं। तो अभी मैं लेकर आ गई हूँ आद्या को स्कूल से, और आद्या के यूनिफॉर्म है वो चेंज कर दूँ, फिर उसके बाद फिर मैं बात करती हूँ आपसे। शाम का टाइम है और मैं बना रही हूँ शाम का नाश्ता। तो ये सूजी का है और प्याज नहीं डाला है इसमें, वेजिटेबल्स कुछ नहीं पड़ी हुई है। सूजी को मैंने दोपहर सुबह दही में भिगो दिया था और ये फूल गया है, और सिंपल नमक मिर्ची मिला दिया है, और इसको राई और करी पत्ता से तड़का दिया है, और मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा बनाया है अपने लिए, राध्या के लिए, और बहुत ही अच्छा लगता है ये। आप इसमें वेजीज डाल सकते हैं, प्याज डालना नहीं था मुझे इसलिए मैंने नहीं डाला है, और वेजीज मेरे पास थी नहीं, तो इसमें मैंने करी पत्ता और राई, सरसों के दाने, इससे मैंने तड़का दिया है, और दोनों तरफ पलट पलट के सेक लिया है, अच्छा सा फूल गया है। तो ये बन के तैयार है, और मैंने रख लिया है टमाटो केचप, और इसके साथ मैं अपनी बेटी को देने जा रही हूँ। उसके बाद मुझे अपने हस्बैंड के लिए भी बनाना था, लेकिन उन्होंने बोला मैं मोटा वाला नहीं खाऊंगा, मुझे पतले पतले चीले टाइप के बना के दे दो। तो मैंने उनके लिए रखा है गैस पे तवा, और मैंने इसमें भी थोड़ा सा हींग सॉरी हींग डाले राई डाल दी है, और तड़का देने के बाद उसको पतला सा फैला दिया है बैटर को, और ये देखिए पतला पतला सा चीला बन के तैयार है। तो ये हो गया इनके लिए, तो बस चाय बना लेते हैं साथ ही साथ। तो चाय के साथ हम लोग ये चीला खाएंगे, और चाय भी हमारी बन गई है। तो मैं अपना शाम का नाश्ता एंजॉय करती हूँ, मिलती हूँ मैं आपसे नाश्ता करने के बाद। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी रेसिपी अच्छी लगी हो। गुड इवनिंग एवरीवन। शाम का टाइम हो रहा है, 6 बज रहे हैं। 6 बज रहे, साढ़े 6 बज रहे हैं। हाँ, इतना उजाला है 6 बजे। अभी है रोशनी है अभी।
हाँ आद्या आ गई। आद्या हेलो हेलो। तो आज मैं यहाँ बाहर अभी खड़ी हूँ, थोड़ा सा अच्छा ही लग रहा था अंदर। दो प्यार करने वाले जंगल में हो गई आद्या, दो प्यार करने वाले जंगल में खो गई। क्या मैं वीडियो बनाती हूँ सुना? जो प्यार करता है क्या पागल बन जाता है। जो प्यार करता है पागल बन जाता है, पागल बन जाता है। किसी की आँखों का बड़ो काजल बन जाता है। जो प्यार करता है जो पागल बन जाता है। आधे का गाना सुना सब लोगों ने, कैसा लगा जरूर बताना। और आज थोड़ा मन किया था गुनगुनाने का तो गुनगुना लिया है। और अभी मैं यहाँ बाहर निकल के आई, सोच रही हूँ आज छत पे चलते हैं, पर अकेले नहीं, इसे पूछती हूँ हस्बैंड से चलते ही नहीं। दादे चलोगे ऊपर ऊपर छत पे? आ आ रहा है, चल ऊपर चलते। तो हम लोग आ गए हैं ऊपर छत पर और काफी दिन बाद आए हैं और पौधों को पानी दे रहे हैं। अरे पौधों को पानी दोगी? और मैं आपको दिखाती हूँ चांद, बहुत प्यारा लग रहा है। अब थोड़ी थोड़ी सी अंधेरा सा होने लगा, ये देखो चांद दिख रहा है। तो अभी मैं यहाँ बैठ गई हूँ और आज थर्सडे है तो मुझे मूंग की दाल बनाऊंगी, क्योंकि बिना प्याज के मूंग की दाल ही बनेगी मेरे यहाँ। और थर्सडे को ही मूंग की दाल बनती, इसी बहाने मूंग की दाल खा लेते हैं, सादा सा खाना। और नाश्ता वगैरह हो गया है, जो मैंने बनाया था सूजी का नाश्ता अच्छा लगा था, एकदम सिंपल तरीके से। वैसे मैं इसमें प्याज डालती बट प्याज नहीं खाना था इसलिए नहीं डाला। और भी वेजिटेबल आप डाल सकती हो, लेकिन वेजिटेबल भी नहीं थी, मतलब है पत्ता गोभी रखा हुआ है, लेकिन इस पे पत्ता गोभी मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। शिमला मिर्च अगर होती मेरे पास तो मैं वो डाल देती, अगर बिलासपत नहीं होता तो मैं प्याज वगैरह और डाल देती तो अच्छा लगता। तो चलिए चलते हैं नीचे और आरती करते हैं कान्हा जी की और भगवान जी की। शाम एकदम अब ढलने लगा है, चेहरे पे रेड रेड सी लाली सी आने लगी, देखिए पीली पीली सी रोशनी। तो अब चलते हैं नीचे, टिहरे की तैयारी करते हैं। आद्या ने पौधों को पानी दे दिया है, अच्छा लग रहा है आज ऊपर आकर।
कह रही थी याद है तू? क्या कह रही थी? और मेरी कन्हा जी बहुत सुंदर लग रहे हैं, और ये बत्ती भी जला दी है, और मेरी सबसे प्यारी है। सबसे प्यारी कौन है? मम्मा। मम्मा। हाँ। सुबह मैं ऊपर से आने के बाद फिर मैं नहाने गई, उसके बाद नहा के कपड़े चेंज किए, उसके बाद फिर मैंने पूजा भी कर ली है, और ये आद्या कर रही है शरारत। आद्या नहीं, मेरे बालों को मैं क्लेचर लगा लूंगी और खाना बनाएंगे। क्या खाओगे? मूंग की दाल खाओगी? मूंग की दाल कौन खाएगा? पे मैं अपने बालों को क्लच करने वाली हूँ और डिनर की तैयारी करने जा रही हूँ। और जब ये स्टोरेज बॉक्स यहाँ पे मैंने लगाए हैं, तो इसमें रखी हुई जो लिपस्टिक होती है वो आद्या बहुत जल्दी निकाल के लगा लेती है, और मैं नहीं देख पाती हूँ। उठाकर ले जाएगी और बाहर की तरफ चली जाएगी, छत की तरफ, और लगा कर चुपचाप चली आएगी। तो इसलिए मैंने इस स्टोरेज बॉक्स से लिपस्टिक सारी हटा दी है मैंने, और किट में रख ली है। तो यहाँ पे मैं तैयार हूँ जाने के लिए किचन में खाना बनाने के लिए। मूंग की दाल बनानी है, क्या शेयर करती मैं आपसे। सो मैंने आगे व्लॉग नहीं किया है, और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो आद्या आप जा रही है स्कूल, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा शूट कर लिया जाए। और मैंने अपने वीडियो को अभी एंड नहीं किया था, तो अपने वीडियो को एंड एंड भी कर देती हूँ। तो यहाँ पे इसको शूज पहना रहे हैं, मेरे हस्बैंड लेके जा रहे हैं। मैंने इसको पूरा तैयार कर दिया था, यूनिफॉर्म पहना दी थी, टिफिन लगा दिया, सब बोतल रख दी है, कॉपी बुक सब रख दी है इसमें। तो बस शूज पहनाने को रह गए। शूज बाहर ही रखे होते हैं, जैसा कि मेरा शूज रैक रूम के बाहर सीढ़ियों की तरफ रखा हुआ है, तो बस वहीं से निकालती है, पहनते हैं और चले जाते हैं। तो बस आद्या तैयार हो गई है स्कूल जाने के लिए। अब वो बिल्कुल नहीं रोती है, बड़ी मस्ती करती है, बड़े आराम से जाती है। तो बस वो जा रही है। तो मैं अपने वीडियो को भी यही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर पहली बार आए तो।